आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों आइए एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। साथ में उसके पास एक गधा था। गधा किसी काम का नहीं था, इसलिए बाप बेटे ने सोचा कि गधे को गांव के बगल में लगे मार्केट में बेच दिया जाए। बाप बेटे उस गधे को लेकर के चलने लगे। गांव के बगल में एक तालाब था जहाँ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। महिलाओं ने जब देखा बाप बेटे और गधे को तो हंसने लगी। कई कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा खाली जा रहा है, उस पर कोई बैठा नहीं है। बाप ने बेटे को गधे पर बैठा दिया और आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद कुछ वृद्धजन थे जो देख करके हंसने लगे। क्या क्या जमाना आ गया है, बेटे को कोई तमीज नहीं है कि वृद्ध बाप पैदल पैदल जा रहा है और बेटा गधे पर बैठा हुआ। जब उस व्यक्ति ने सुना तो उस बेटे को गधे से नीचे उतार दिया और खुद बैठ गया गधे पर और चलने लगा। जब कुछ आगे गया तो कुछ यंगस्टर मिले, नौजवान लड़के मिले। उन्होंने कहा क्या जमाना है, बाप गधे पर बैठा हुआ और बेटे को नीचे जाने दे रहा है, पैदल पैदल चलने दे रहा है। फिर उसने सुना और अपने भी उतर गया और बेटे को बैठा दिया गधे पर। फिर कुछ लोग मिले कि क्या जमाना है कि जानवर को भी नहीं ये लोग छोड़ते, उसके ऊपर बैठे लगते हैं। उसने क्या किया कि बेटे को भी नीचे उतार दिया और एक रस्सी मंगवाया बेटे से और एक लठ के सहारे गधे के आगे और पीछे के दोनों पैर बांध करके उसे टांग करके ले जाने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ा, नदी पुल के माध्यम से पार करने लगे। जब नदी के पुल पे थे ही तभी गधा अपने को छुड़ाने का प्रयास करने लगा और छुड़ाने के दौरान ही वो उछल करके पानी में गिर गया और मर गया। अब उस व्यक्तियों को ना ही गधे का दाम मिला, ना ही मार्केट ले जा पाए, ना ही कुछ मिल पाया, क्योंकि लोगों के कहने में आ गए। दोस्तों लोगों के कहने में मत आएं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों की बात बदलते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पूरा करने के लिए किसी की बात को ना सुने, सिर्फ अपनी बात को सुने और अपने लक्ष्य को पूरा करें। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।